हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज है 26 अगस्त 2020। आज के गणपति जी का व्लॉग यानी डे 5 का व्लॉग हमारे 10 डेज 10 एपिसोड की सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। आज राधा अष्टमी भी है तो मैंने पहले ही गणपति जी को दुर्वा हार पहना दिया है और दुर्वा भी चढ़ा दी है। तो चलिए अब हम करेंगे आरती की तैयारी। लगभग सुबह के 8 बजे हैं अभी। हमने भगवान का पानी भी बदल दिया है, सब कुछ कर दिया है। अब हम बना लेंगे रंगोली। तो आज मैंने थोड़ी अलग स्टाइल की रंगोली बनाई है क्योंकि रोज़ मैं डॉट वाली बनाती हूँ। तो आज मैंने बस ऐसे एक बेल वाली रंगोली बनाई है। उस पर हम कुमकुम लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। रंगोली डालना बहुत शुभ तो रंगोली बना लेते हैं, रोज बनाती फिर हम करेंगे आरती। तो ये देखिए हमारे गणपति जी कितने प्यारे, रंगोली पे हल्दी कुमकुम लगाएंगे। मैंने अब आरती की सारी तैयारी हो गई है, मोदक भी बन गए हैं, दीपक भी जल गया है। और ये देखिए आज राधा अष्टमी, मोस्टली एक ही तरीके से पूजा करते हैं हर दिन की। ज्यादातर हम हमारा समय अब यही व्यतीत करते हैं जब से गणपति जी आए हैं, तो इनकी पूजा भी आज हम यही करेंगे। तो चलिए हम आरती कर लेते हैं। फूल मैंने भगवान को ऑलरेडी चढ़ा दिए हैं, अब हम सब करेंगे। सबसे पहले गणपति जी की आरती और फिर राधा माता की आरती, राधा मैया की आरती। आरती कर लेंगे, फिर राधा रानी की भी आरती कर लेंगे और हम नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। तो आज नाश्ते में हम बना रहे हैं सैंडविचेस और कटलेट्स, यानी आप उसे फिंगरलिंग्स भी बोल सकते हैं। आज हमने रखा है, आज का जो थीम है वो है फास्ट फूड थीम, क्योंकि आज राधा अष्टमी भी है तो उसका भी भोग हमें बनाना है। और आज गणपति बप्पा के लिए हमने फास्ट फूड थीम रखा है। तो यहाँ सूजी भुन रही है कटलेट्स के लिए और वहाँ आलू भुन रहे हैं सैंडविचेस के मसाले के लिए। ये देखिए अब आलू देख लेते हैं हम पहले, क्योंकि यहाँ तो मैं सूजी भुन रही हूँ। उसमें हम डालेंगे नमक, मिर्ची और बस, इसके अलावा हमें और कोई मसाला नहीं डालना है। उसे अच्छे से हम भूनेंगे। ये देखिए जब गणपति बप्पा को हम इतना इंडियन खिला रहे हैं तो हमें एक दिन तो उन्हें फास्ट फूड भी खिलाना चाहिए। फिर हम डाल रहे हैं ओरिगेनो क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हम ये डाल रहे हैं जीरा मसाला, जीरा पाउडर। अब हम सूजी में अच्छे से पानी डाल, मतलब सूजी में धीरे धीरे पानी डालेंगे और सूजी का एक आटे के जैसा, सूजी का आटा गूंथ लेंगे बेसिकली, उसका थोड़ा सा थिक मिक्स बनाएंगे। अच्छे से उसे हम स्प्रेड करेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पानी मिलाएंगे। और देखिए दोपहर के लंच के लिए हम अरबी छील के अब अरबी भी बना रहे हैं क्योंकि राधा माता को अरबी का भोग लगता है। ये देखिए अब आप ब्रेड को किसी में भी टोस्ट कर सकते हैं, ऐसे टोस्टर में या फिर गैस वाले टोस्टर में। तो अब हम ब्रेड के सैंडविचेस बना रहे थे और जो सूजी थी उसमें हम आलू मिला लेंगे। और ये देखिए जो टोस्ट है वो बन रहे हैं। इसमें मैं मिलाऊंगी मिर्ची कटलेट के मिक्स में और नमक, बस इसमें भी हमें और कुछ नहीं मिलाना है। अच्छे से इस सबको मिक्स कर लेंगे। यहाँ बन रहे हैं हमारे सैंडविचेस और सैंडविच बन के रेडी हो गए हैं। अब हम हमारे कटलेट्स बना रहेंगे। बेसिकली ये आप इन्हें कुछ भी बोल सकते हैं, फिंगर चिप्स, कटलेट्स, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हम इन्हें ऐसी राउंड शेप दे देंगे और बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इन्हें हम तल लेंगे। इन पे आपको कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये उसके बिना ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बल्कि जब हम इन पे कॉर्नफ्लोर लगा देते हैं तो ये उल्टा फट और जाते हैं, इसलिए आप कॉर्नफ्लोर बिल्कुल ना लगाएं। तो अब हम ब्रेड पे लगा लेंगे सॉस, उसे हमने बीच में से कट कर लिया है। आप ये वाली दोनों ही रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और अब हम बना रहे हैं खजूर एंड बनाना शेक। ये हमने पहले भी एक बार आपने देखा होगा बनाया था। तो कटलेट बनके रेडी हो गए हैं। खजूर जो थे उन्हें हमने पानी में भिगोया था, उसकी वजह से वो फूल गए थे। अब हम उन्हें मिक्सी में पीस लेंगे खजूर को, मिक्सी में या आप हमारी तरह हैंड ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं। अब हमने सॉस और मेयोनीज भी लगा लिया है। तो ये देखिए खजूर पीसने और छानने के बाद कितना अच्छा हो गया है। उसमें हम बनाना मिलाएंगे और फिर शेक और दूध में डाल के उसे हम पीस लेंगे। देखिए हमारा कितना टेस्टी ब्रेकफास्ट बनके रेडी हो चुका है।
हमने प्याज का और लहसुन का बिल्कुल यूज नहीं किया है, और जो हमारी टोमेटो सॉस भी है उसमें ऑनियन गार्लिक नहीं है। अब हम गणपति पप्पा को लगा लेंगे प्रसाद, उनका उनको भोग लगाएंगे। और आज हमने मोदक भी थोड़े फास्ट फूड टाइप ही बनाए हैं, यानी चॉकलेट के, जो हमारे दिन भर का थीम होता है उससे कुछ मिलते जुलते ही हम मोदक भी बनाते हैं। तो चलिए पप्पा को भोग लगा लेते हैं, गणेश जी को भोग लगा लेते हैं सैंडविचेस का, कटलेट्स का और मिल्क शेक का। राधा माता और कृष्णा जी को भी हमने यहीं रख लिया है, क्योंकि आज हम उनको दिन भर यहीं खिलाएंगे पिलाएंगे। ये देखिए अब दोपहर हो गई है, तो दोपहर में जैसे मैंने आपको बताया था कि राधा रानी की दोपहर में पूजा होती है, क्योंकि उनका जन्म दोपहर में हुआ था, तो उन्हें दही अरबी की सब्जी का पूड़ी का भोग लगता है, तो हमने आज दोपहर में वही बनाया है। तो इससे थीम का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अब जब राधा अष्टमी भी है, गणपति पूजा भी है, तो दोनों का एक ही प्रसाद बनेगा, तो हमने दोपहर में अरबी पूड़ी बनाई है। अब हम लगा लेंगे भगवान को उसका भोग। तो चलिए भोग लगा लिया हमने, अब हम शाम हो चुकी है, लगभग 5 बज चुके हैं, तो अब हम भगवान को चाय का भोग लगा रहे हैं। हम रोज शाम को चाय पिलाते हैं, चाय के साथ कभी कभी हम नमकीन, रस, बिस्किट कुछ भी सर्व करते हैं। अब रात के लिए खाना बना रहे हैं, उसके लिए हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज और ब्रेड पकोड़े। तो मैंने ब्रेड छोटे छोटे, मैंने एक ब्रेड के 4 टुकड़े कर लिए हैं, ताकि वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बने। तो सबसे पहले तो हम फ्रेंच फ्राइज तल लेंगे। फ्रेंच फ्राइज में मैंने कुछ नहीं, बस आलूओं को काट के उन्हें कॉर्नफ्लोर से कोट करके तल लिया है। और अब हम बना लेंगे हमारे ब्रेड पकौड़े। तो ये देखिए बस हमने ब्रेड के अंदर आलू का मसाला भरा, उसे अब हम कोट करेंगे बेसन से और उसे हम तल लेंगे। अब हम बना रहे हैं भेलपूरी। तो मैंने फास्ट फूड, मतलब स्ट्रीट फूड डे, फास्ट फूड डे आप इसे बोल सकते हैं, तो हमने कुछ ऐसा नहीं रखा है कि हम सिर्फ वेस्टर्न डिशेज यानी फॉरेन डिशेज ही बनाएंगे, हमने इंडियन भी बनाया है। तो हम यहाँ चाट मसाला सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, धनिया पत्ता सब डाल के हमारी भेलपूरी रेडी कर रहे हैं, और थोड़ी सी दही भी डाल रहे हैं, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है भेलपूरी में, इसलिए हम डाल रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने सॉस रखी है। तो ये देखिए हमारा डिनर भी एकदम अच्छे से बन, गणपति पापा को डिनर का भी भोग लगा दिया। हम लगभग 8:30 तक डिनर का भोग लगा ही देते हैं। तो यही थी हमारे आज दिन भर की पूजा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें इंस्टा पे भी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।